नमस्कार साथियों, अब ये ऊपर हाथ खड़े करके बता दो मेरे साथ दुबई कौन चलने वाला है। जी हाँ, दुबई जाने वालों की बड़ी चुल थी आप लोगों में काफ़ी टाइम से। आप लोगों को ये मतलब एक माइंड में सवाल आता जा रहा कि दुबई की वीज़ा कब स्टार्ट होंगे, फ्लाइटें कब स्टार्ट होंगी। जी हाँ, तो भाई फाइनली कल मैंने वीडियो बनाया था कि सितंबर फर्स्ट में अच्छी न्यूज़ आने वाली है, लेकिन भाई आपको पता है यूएई ने पिछले 3 अगस्त के बाद में जो भी न्यूज़ दी है ना, वो शॉकिंग न्यूज़ दी है जिसका हमने कल्पना नहीं की। उससे पहले उसने स्टार्ट कर दी। जी हाँ, हम उम्मीद ये कर रहे थे कि दुबई के विजिट वीज़ा 1 सितंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन नहीं जी, ये न्यूज़ हमारी थोड़ी पहले आ गई। 30 अगस्त से दुबई के लिए, सभी देशों के लिए जिनको दुबई ने रेड लिस्ट में डाल रखा था, सभी कंट्रीज को, लगभग कितना था शायद 15-16 कंट्री होंगी, सबके सबके भाई विजिट वीज़ा स्टार्ट कर दिए हैं, फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं 30 अगस्त से। जी हाँ, यानी आने वाले कल से अगर आप चाहो तो भाई दुबई जा सकते हैं। जो लोगों ने पहले से वीज़ा ले रखे हैं वो भी जा सकते हैं, जिन लोगों ने वीज़ा नहीं ले रखे भाई वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डिटेल से जानेंगे कि वैक्सीन से रिलेटेड किस तरह से जा सकते हो, रैपिड टेस्ट के बारे में या वर्क परमिट वीज़ा के बारे में, टिकटों के बारे में डिटेल से जानिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ, तो भाई आप लोग खुश हो गए होंगे, शायद आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी। सैटरडे को एक DGCA यानी दुबई की जो अथॉरिटी है, विदेश मंत्रालय द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि भाई हमने जितने भी देश थे जिनके ऊपर हमने बैन लगा के रखा था फ्लाइट से रिलेटेड, उन सबको ओपन किया जाता है विजिट वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ, तो अब तो कोई नहीं बचा। रेजिडेंशियल वीज़ा, जिनके वीज़ा स्टार्ट थे वो भी जा रहे हैं, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए रिन्यू कर दिए गए, विजिट वीज़ा बंद था उसको स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि विजिट वीज़ा तो पहले भी इंडिया के लिए चालू थे, थर्ड कंट्री के द्वारा लोग जा रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्ट आप इंडिया से फ्लाइट लेके दुबई पहुँच सकते हैं। कल के बाद में आने वाले सितंबर महीने में आप कभी भी जा सकते हैं। जी हाँ, बाकी वर्क परमिट वीज़ा के बारे में आगे हम बात करेंगे। जी इसमें बता दूं भाई जाने के लिए प्रोसेस क्या है, हालांकि ज़्यादा खुल के बात हुई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है WHO ने जिन वैक्सीन को मान्यता दी है वो वैक्सीन लगवानी है आपको, दोनों डोज। जी हाँ, अब WHO ने इंडिया की बात करें तो कोविशील्ड को मान्यता दी है, अलग अलग जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या नाइजीरिया, उन देशों में अलग है। तो जो भी चाइनीज वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है जिनको WHO ने मान्यता दी है, वो WHO जो टीका लगवा के सर्टिफिकेट आपके पास हो आप दुबई जा सकते हैं। आपको एक PCR टेस्ट आपको लेना होगा 48 आवर्स का, यानी 48 घंटे का। रैपिड टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, PCR की जगह रैपिड टेस्ट को इंपॉर्टेंस में दी गई है, जो एयरपोर्ट पे मिलेगा आपको 6 घंटे पहले। जी हाँ, तो जब भी आप एयरपोर्ट जाएं तो भी टाइम से आपको जाना होगा क्योंकि आपको रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। इंडिया में रैपिड टेस्ट की बात करें तो प्राइस लगभग 3,000 के समथिंग है, 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है, आप जब करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा। रैपिड टेस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है जो आप एयरपोर्ट के ऊपर होता है, आप सबको पता है। दूसरा टेस्ट आपका दुबई में जाओगे तब वहाँ पर एयरपोर्ट पर होगा। जी हाँ, तो ये है भाई प्रोसेस। आगे बात बता दूं, अपने डॉक्यूमेंट हैं जो भी, जैसे PCR रिपोर्ट है या फिर आपके पास टीका का है या फिर रैपिड टेस्ट है, ये सब डॉक्यूमेंट आप ICA जो अथॉरिटी है, वेबसाइट है या फिर अल होसन ऐप है उसके ऊपर डाउनलोड कर दें। ये हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें, मैंडेटरी है। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, अगर चाहो तो नहीं कर सकते। कर लोगे इनको तो वो एक अल होसन ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप दुबई से बाहर किसी भी स्टेट की यात्रा करते हैं तो वो उस आधार पर आपको यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। जी हाँ, वहाँ के जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे बड़े मॉल हो गए, जो देखने की जगह हो गए, टूरिस्ट जो आप जाते हैं घूमने के लिए, उनके लिए वो सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। तो आप चाहो तो इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ये डॉक्यूमेंट उस पर सबमिट कर सकते हैं। जी दुबई भाई आने वाले दिनों में 70 देशों को ऑन अराइवल वीज़ा दे रही है, 70 देशों को, जिसको भाई इंडिया, ये अपने देश नहीं है, एशियन कंट्री, 70 वो देश हैं जो लगभग यूरोपियन कंट्री हैं, डॉलर में पैसा आएगा। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक्सपो 2020 अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 1 से, और उसको बड़े स्तर पे उसको सक्सेस करने की एक प्लानिंग है, इनलिए वीज़ा फ्री कर दिया है ताकि लोग अपनी टिकट पकड़ें और दुबई पहुँचें और वहाँ पे सिस्टम देखें, भीड़ बढ़े, पैसा कमाएं,
नॉर्मल सी बात है, जो दुबई चाहता है। हालांकि इंडियन लोगों को वीजा इंडिया से लेके जाना पड़ेगा, और भी एशियन जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये जो नाइजीरिया है, इन लोगों को वीजा लेके जाना पड़ेगा। बाकी के 70 देशों के लिए ऑन अराइवल वीजा है, जैसे हमारे देश, हम और किसी देश से बहुत सारे देशों में जाते हैं ऑन अराइवल वीजा है, एयरपोर्ट पर जाते हैं, ठप्पा लग जाता है, निकल जाते हैं, पास वीजा की जरूरत नहीं होती, सेम कंडीशन वो उन्होंने रखी है। जी हाँ, अब आपके सवाल ये आ सकता है, देखिए एक बात में साथ में लगता और लगे हाथ और बता दूं, अगर आप विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, आप 1 मंथ के वीज़ा में जा रहे हैं या 3 मंथ के वीज़ा में जा रहे हैं, अगर आप 1 मंथ के वीज़ा में जा रहे हैं तो इस वीज़ा को आप 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं दुबई में रहते हुए, यानी 1 महीने का वीज़ा है उसको 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं, समझ गए बात को। अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेके जा रहे हैं तो उसको एक्सटेंड करने के लिए इन आउट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ताकि हालांकि एक्स्ट्रा इसका चार्जेस लगते हैं, इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, लेकिन विजिट वीज़ा दुबई में 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, इसके लिए आपको दुबई छोड़ना पड़ेगा, ये बातें आपको बतानी जरूरी है। जी हाँ, अब टिकटों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान के लोग जो अगर आप जा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, 2 हफ्ते में 3 फ्लाइटें स्टार्ट हुई हैं, जो अभी स्टार्ट हुई है, ये समझ सकते हैं सितंबर से। देखिए एक कैलकुलेशन अच्छी बनी है, सितंबर से फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं और 31 अगस्त है, यानी सितंबर से वीज़ा स्टार्ट हुई है, आप समझ सकते हैं, तो एक अच्छी बात है कि वीज़ा स्टार्ट होने के साथ फ्लाइटें भी स्टार्ट हो गई, खासतौर से राजस्थानियों के लिए, क्योंकि अभी राजस्थान बहुत एरिए में बड़ा क्षेत्रफल है, तो जैसे राजस्थान के उधर बाड़मेर या दूर के जो लोग दिल्ली जाते हैं उनके लिए बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है, तो जयपुर से भैया फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। डेट की बात करें तो बता दूं, 4 सितंबर की फ्लाइट है दुबई के लिए, 8 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर और 18 सितंबर। जी हाँ, कल वाली में मैंने 15 सितंबर तक बताई थी, आज 18 सितंबर एक्स्ट्रा है, तो इन डेट में आप कभी भी जयपुर से दुबई के लिए, शारजा के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। हफ्ते में 3 फ्लाइट हैं, 2 फ्लाइट दुबई के लिए हैं, 1 फ्लाइट शारजा के लिए है, आप बात को समझ में आ गई होगी। अब भाई प्राइस की बात करें तो प्राइस समथिंग 20,000 के करीब टिकट का भाव होना चाहिए, बाकी मैंने ऑनलाइन देखा नहीं है, मैंने मेरी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी आप जहाँ टिकट बनाओगे आपको पता लग ही जाना है। जी हाँ भाई, बच्चे हैं वर्क परमिट वाले। जी हाँ, वर्क परमिट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह गया है, पहली बात तो ये बता दूँ कि दुबई एक ऐसी कंट्री है कि लगभग वर्क परमिट वाले भी भाई कंपनियां क्या, वो विजिट में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, विजिट में जल्दी सा वीज़ा आ जाता है, लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ कंपनी वीज़ा लगा देती है, तो वर्क परमिट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह जाता कि चलो कंपनी दुबई स्टार्ट नहीं भी करे तो लोग विजिट में दुबई जा रहे हैं, ठीक है जी। और वर्क परमिट का भाई अभी तक देखिए कोई संभावना दुबई का के ऊपर कोई भरोसा करके हम डेट या फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, दुबई कुछ भी कर सकता है, जो भी हम सोचते नहीं है वो दुबई कर देता है। जो पिछले 3 अगस्त को घोषणा की थी फ्लाइटें स्टार्ट करने की, उसका हमने उम्मीद भी नहीं की थी आप लोगों ने कि इतनी जल्दी इस तरह से फ्लाइट स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, तो वर्क परमिट भी भाई कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि लगभग सिस्टम स्टार्ट हो गया है, फ़्लाइटें, वीज़ा, टिकट वगैरह, वर्क परमिट 1.5 साल से बंद है, जो अभी तक बंद ही पड़ा है। हालांकि इसका एक अल्टरनेट ये है कि भाई आप लोग, आप जिस भी एजेंट के थ्रू या ऑफिस के थ्रू जाना चाहते हैं वो विजिट वीज़ा में जाएं, बस यही ऑप्शन बचता है। बाकी थोड़ा टिकट का ध्यान ये रखिए कि अभी जैसे सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट, या बात करें टिकटों की, तो टिकट आपको महंगी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, अपने वहाँ जाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन में ही जाना है, 10-15-20 दिन निकाल के जाओगे तो टिकटों के भाव में फ़र्क आएगा, टिकट की प्राइस में फ़र्क आएगा, क्योंकि एकदम से उछाल होगी, क्योंकि विजिट वीज़ा अभी स्टार्ट हुए हैं, टिकटें और फ्लाइटें दोनों, तो इस वजह से टिकटों का भाव एकदम से बूम उठेगा। जो टिकट आपको 15 में मिल रही थी वो 30 में जाएगी, तो वो आपका बजट है वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आएगी, वो गड़बड़ा जाएगा। एजेंटों के थ्रू जाते हो तो भी आपसे एजेंट पैसा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो बोल देंगे टिकटें महंगी है, तो आप टिकटों का थोड़ा वेट करिए। 15 तारीख के समथिंग, अगर 15 तारीख सितंबर के समथिंग अगर आप जाते हैं तो 100% टिकटों के भाव में आपको कमी देखने को मिलेगी, 15,000 के समथिंग, यानी आप उम्मीद करें 15,000 के समथिंग आपको टिकट इसमें मिल सकती है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है भाई, खास तौर से दुबई जाने वालों विजिट वीज़ा के लिए। 100 अगर कमेंट आते हैं तो 80 कमेंट विजिट वीज़ा से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि दुबई जाने वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, विजिट वीज़ा ही उनके पास ऑप्शन है। विजिट वीज़ा भाई 30 अगस्त से दुबई सरकार ने रीओपन कर दिए हैं, अब आप वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं, दुबई जा भी सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा, अगर आप जॉब से रिलेटेड जाते हैं तो भाई 3 महीने वाले वीज़ा में जाएं, 1 महीने का वीज़ा बिल्कुल न लें, क्योंकि उसमें नुकसान ही होता है कि 1 महीने में मात्र 30 दिन होते हैं। सपोज करिए आपका एयरपोर्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी कोरोना रिपोर्ट आपके पॉजिटिव आ जाती है, आपको वहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ता है, या फिर कंपनी कई बार एजेंट लोग वहाँ पे बिठा लेते हैं 10 से 15 दिन, तो आपको प्रॉब्लम आती है, फिर इतना जल्दी वीज़ा नहीं लग पाता है। जी हाँ,
तो 3 मंथ का यानी 90 दिन का वीज़ा होता है, तो आराम से आपका वीज़ा लग जाता है, आपको परेशानी नहीं आती है। और 1 मंथ वाला वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसको एक्सटेंड करवाने में आपका पैसा लग जाता है। तो उससे तो बढ़िया है कि आप यहीं से एजेंट को पैसे दे रहे हो आप 3 महीने वाले के। नोट करिए, एजेंट हमेशा पैसे 3 महीने वाले के लेता है, लेकिन पकड़ा देता है 1 महीने का। 1 महीने का वीज़ा एजेंट को पहले ही बोल देना, भाई मुझे 30 दिन का वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे 90 दिन यानी 90 दिन वाला वीज़ा चाहिए, 3 महीने वाला। अगर वो वीज़ा तो 1 महीने वाला देता है तो तेरी जिम्मेदारी रहेगी उस वीज़ा पे मैं नहीं जाने वाला। जी हाँ, वो वीज़ा फिर 2 महीने तक आपका, उस वीज़ा से आप नहीं जा सकते। जैसे 60 दिन कंप्लीट हो जाते हैं आप इंडिया में दोबारा 3 मंथ का वीज़ा निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है भाई। तो आप समझ सकते हैं भाई, विजिट वीज़ा वाले तैयार होके रहिए। 2 डोज PCR रिपोर्ट, रैपिड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप जिस भी एयरपोर्ट पे, जैसे दिल्ली से जाओगे या फिर राजस्थान वाले जयपुर में भी भाई रैपिड टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है, ये अच्छी न्यूज़ है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, तो राजस्थान वालों को दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी। जयपुर से फ्लाइट मिल जाएगी, जयपुर एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट मिल जाएगा। तो आपको दिल्ली जाने वाला जो प्रोसेस है ना, बड़ा हार्ड होता है, बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतनी दूर का सफ़र होता है, रिस्की होता है। अच्छी बात है कि भाई आपको जयपुर से रैपिड टेस्ट और फ्लाइट दोनों मिल रही हैं। अभी आप वीज़ा अप्लाई करें, जिनके पास वीज़ा है वो टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट की डेट मैंने बता दी, 4 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर और 18 सितंबर। 4-5 जगह से पूछें, जो बंदा सस्ती टिकट दे रहा है, कम पैसे में दे रहा है, उनसे टिकट आप लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, ये न्यूज़ सिर्फ दुबई के लिए है, ये वीज़ा दुबई के लिए स्टार्ट हुए हैं। अब आप टिकट शारजा की बुक करा लेते हो बिना कुछ सोचे समझे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दुबई का वीज़ा है, दुबई की टिकट बुक करानी है, क्योंकि शारजा भी जयपुर से फ्लाइट जा रही है, दुबई भी जा रही है, तो आपको दुबई के लिए टिकट बुक करवानी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।